एक राइट से एक लेफ्ट, ईस्ट का राइट बचा यहाँ पर, और ईस्ट का राइट कुछ और नहीं साउथ होता है। दो बार लेफ्ट लेना, साउथ का दो बार लेफ्ट लेंगे, साउथ का दो बार लेफ्ट, एक बार ईस्ट दूसरी बार नॉर्थ, एक लेफ्ट से एक राइट कर गया तो वेस्ट का जो राइट होता है दोस्तों वो नॉर्थ होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूजीसी नेट अड्डा 24/7। दोस्तों आज एक इतनी खतरनाक ट्रिक के बारे में बात करेंगे, किसी भी क्वेश्चन की डायरेक्शन को हम फिंगर टिप पे कैसे निकाल सकते हैं। डायरेक्शन, जब भी सवाल हमारे पास दिखाओ गोइंग नाउ, वॉकिंग नाउ, रनिंग है ना, मूविंग, हेडिंग, आगे बढ़ रहा हो, तो उस सवालों में हम डायरेक्शन डिस्टेंस के क्या करते हैं, वहां पर एक लेफ्ट को एक राइट से कैंसिल कर देते हैं। सर ये एक लेफ्ट को एक राइट से क्यों कर सकते हैं? अगर वैल्यू बराबर है, दो लेफ्ट और दो राइट है तो उसको भी कट कर सकते हैं। अगर सर वैल्यू बराबर ना हो तब क्या करेंगे? अगर तीन राइट और दो लेफ्ट लिखा है तो तीन और दो को माइनस कर दो, एक आ गया। राइट और लेफ्ट के सामने जो वैल्यू बड़ी लिखी होगी उसी को लिखा जाएगा राइट। बस इतना करना है। आओ क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने ईस्ट से चलना स्टार्ट करा, थोड़ी दूर चलने के बाद वो राइट चला गया। जैसे राइट गया फिर थोड़ा और चला, फिर एक बार और राइट चला, आगे बढ़ते 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 आखिरी में वो लेफ्ट चला। अब हमने क्या कहा था? एक राइट से एक लेफ्ट को कट कर देंगे, एक राइट से एक लेफ्ट, ईस्ट का राइट बचा यहां पर, और ईस्ट का राइट कुछ और नहीं साउथ होता है। पहला सवाल। दूसरा कह रहा ही इज फेसिंग, फिर से मोहन ने चलना स्टार्ट करा साउथ की तरफ, पहला लेफ्ट टर्न लिया, फिर से लेफ्ट लिया, अब दो बार लेफ्ट ले रहा है, दो बार लेफ्ट ले रहा है, साउथ का दो बार लेफ्ट लेंगे, साउथ का दो बार लेफ्ट, एक बार ईस्ट दूसरी बार नॉर्थ, सवाल का आंसर होगा। एक और एग्जांपल, मूविंग नाउ की बात कर रहा है तो उसने चलना स्टार्ट करा सन की तरफ इवनिंग में, इवनिंग में जो सूरज होता है हमारा वेस्ट की डायरेक्शन में होता है, वेस्ट से चलना स्टार्ट करा, लेफ्ट गया, फिर से उसने राइट टर्न लिया, राइट लिखा, फिर से उसने राइट लिया, राइट लिखा, एक लेफ्ट से एक राइट कर गया तो वेस्ट का जो राइट होता है दोस्तों वो नॉर्थ होता है। इस सवाल का आंसर नॉर्थ आ गया। ऐसे धमाकेदार क्वेश्चन को देखने के लिए डेली शाम को 7 बजे हमारे साथ लाइव जुड़ा करें दोस्तों। थैंक यू।